नमस्कार, बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक वेट की प्रैक्टिस कराई थी, 3 नंबर वेट, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। इस वेट की प्रैक्टिस कराने का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेट की प्रैक्टिस हमें इसलिए करनी है क्योंकि हमें इंडियन क्लासिकल में जाना है। हमें तबले के बोल, बोंगोस पे तो कॉन्गोस पे तो बजे ही हैं रिदम, लेकिन उसके अलावा कुछ बोल जो तबले के हैं, आज मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। जैसे मैं एक बोल आपके सामने बजा के दिखाता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा गाना याद आ जाए। ये मैं अगले एपिसोड के लिए रखूंगा। तो ये है, ये मेरे अगले एपिसोड में आएगा। आज का जो एपिसोड है उसमें एक गाना किशोर कुमार का गाया हुआ और आर डी बर्मन का कंपोज किया हुआ गाना है, ओ मेरे दिल के चैन। उसमें 3 नंबर पर वेट बजा है। आप चाहे ऐसे बजा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, और या चाहे तो ऐसे बजा सकते हैं, पर इससे बात नहीं बनेगी, आपको तीसरे तरीके से बजाना पड़ेगा। और वो ये है कि आपको एक 3 नंबर का वेट यहाँ देना है, 1। पहले मैं आपको वेट कैसे बजेगा वो बता देता हूँ, और आपने इसी वेट की प्रैक्टिस करनी है। 8 मात्रा का बार है और 3 जो है 3 नंबर बीट के ऊपर वेट बजा है, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। तो कोशिश करता हूँ गाने के साथ ये वेट बजाने की। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब इस स्पीड पे हमको ये गाने को बजाना है, और आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले स्लो स्पीड में इस रिदम को बजाइए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए गाने की। ओ मेरे दिल के चैन, अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता।
रही है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। पहले स्लो स्पीड में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 ऐसे प्रैक्टिस करिए। चलिए आज की एक्सरसाइज देखते हैं। आज की एक्सरसाइज में हम 5, 6 और 7 आठ मात्रा का बार होगा और 5, 6 और 7 के ऊपर वेट होगा। ठीक, तो कोशिश करते हैं। पहले हाथ पर बजा के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे साथ बजाइए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 फाइव पे वेट है 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 ठीक, थोड़ी सी स्पीड और लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। अब यही वेट हमारे आठ मात्रा के बार में बोंगोस पे कैसे बजेगा, आइए देखते हैं 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 थोड़ी स्पीड देखते हैं और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर। ठीक, थोड़ी स्पीड और देखें। अब इसमें वही करना है, हमें चार मात्रा का बार लेना है और पहले तीन मात्रा में वेट बजेगा और चौथे में नहीं बजेगा। तो वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, वन जब हम स्पीड से बजाएंगे तो देखिए कितना अच्छा लगता है। अब इसी का रेला देखिए आप कि रेला कैसे बनेगा। वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।